हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नॉन बैरियर टैरिफ। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन बैरियर टैरिफ। उसके बाद हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन देखा था कि बेसिकली इसको जो बांटा गया है किस कैटेगरी में, किस बेसिस पे बांटा गया है। तो हम लोगों ने देखा था क्वांटिटिव ट्रेड, अगर हम लोग किसी क्वांटिटी को लिमिट करना चाह रहे हैं कि चलो भाई अगर कोई कंट्री हम लोगों के कंट्री में इंपोर्ट कर रहा है तो हम अगर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट पे ही तो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जो इंपोर्ट हम लोगों के कंट्री में हो रहा है हम लोग उस पर ही इंपोर्ट लगाएंगे। तो हम लोग अगर फिक्स क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो उस वो क्वांटिटिव ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के कैटेगरी के अंदर आएगा। फिजिकल मेजर, जहाँ पे फिजिकल मेजर आप मैंने बताया था सब्सिडी हो गया, जो कि कोई भी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को देता है ताकि उसका एक्सपोर्ट प्रमोट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट अदर कंट्री में कर सके। तो हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी देखा था जिस बेसिस पे नॉन बैरियर टैरिफ को बांटा गया था। तो आज जो है हम लोग ईच एंड इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन बैरियर टैरिफ को आज स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट है वो है वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। तो आज हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो आएगा बहुत सारा है, जैसे कि है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो हम लोग ईच बाय ईच सारे को, वन बाय वन सारे को स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट को पढ़ेंगे सबसे पहले, जो कि नॉन बैरियर टैरिफ का पार्ट है। तो ऑब्वियसली जो हम मतलब अगर कोई भी टॉपिक क्या है तो टॉपिक तो नॉन बैरियर टैरिफ है। तो नॉन बैरियर टैरिफ का फर्स्ट, या फिर आप बोल सकते हो एक मेथड जो कि गवर्नमेंट इम्पोज कर सकता है किसी भी कंट्री पे, तो वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। ओके, सो आई होप यू गाइस गॉट इट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एनबीटी बोलने का क्या मतलब। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एनबीटी स्टैंड फॉर नॉन टैरिफ बैरियर, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा है, नॉन टैरिफ बैरियर कौन सा है, तो वो है वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है ये बात कि वो चाहे टैरिफ हो या फिर नॉन टैरिफ हो, लेकिन है तो बैरियर। बैरियर बोलने का क्या मतलब, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल्स एक तरह से। और किसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है या हर्डल्स है, ये किसके लिए पैदा कर रहा है? तो ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है फॉर द एक्सपोर्टर हु इज़ एक्सपोर्टिंग, और सॉरी फॉर द एक्सपोर्टर हु इज़ एक्सपोर्टिंग गुड्स इन अदर कंट्रीज़। कोई भी एक्सपोर्टर जो दूसरे कंट्री में कर रहे हैं तो वहाँ के गवर्नमेंट सोचते हैं ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ी आ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, टैरिफ को इम्पोज कर देता है। अब गवर्नमेंट टैरिफ को इम्पोज नहीं करना चाहे, क्योंकि वो सोचेगा अरे मेरे इसके साथ तो मेरा रिलेशन बहुत बेटर है। तो अगर हम डायरेक्ट टैरिफ को इम्पोज करेंगे देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेटर, बिकॉज दैट कंट्री विल ऑल्सो इम्पोज, और रिलेशन जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। जब रिलेशन बेटर होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को अपना कंट्री का भी देखना और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी देखना है, दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशन अभी है उसको भी मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, नॉन बैरियर टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर का को अडॉप्ट करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है कि ठीक है आपके साथ मेरा रिलेशन सही है बट मेरे को अपने कंट्री का भी देखना है। तो चलिए एक एग्रीमेंट करते हैं आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पे इसलिए वर्ड याद रखना है टेम्प्रोरी, कुछ टाइम पीरियड के लिए बस आप इतना ही इम्पोर्ट करो मेरे कंट्री में, फिर जब मेरा कंडीशन बेटर हो जाएगा या जब यहाँ के होम इंडस्ट्रीज का कंडीशन बेटर हो जाएगा तो आप फिर से ज़्यादा इम्पोर्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए आप इतना ही करो। तो एग्रीमेंट मतलब बोलने का क्या मतलब, कि एग्रीमेंट हो जाता है दोनों कंट्री के बीच, मतलब आपसी सहमति हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रिलेशन भी बदतर नहीं हो रहा, मीन्स टैरिफ में क्या हो रहा था, डायरेक्ट गवर्नमेंट टैरिफ पे लगा दिया कि अब इतना आपको टैक्स देना होगा, कस्टम ड्यूटी के रूप में इतना ये देना होगा। तो उससे एक तरह से जो रिलेशन था वो वन साइडेड हो जाता है, बट इसमें क्या है, जब गवर्नमेंट नॉन टैरिफ को इम्पोज कर रहा है तो दोनों के बीच सहमति हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन काम तो वही करेगा,
कि काम क्या कर रहा है, इम्पोर्ट जितना हो रहा था गुड्स का, वो उसका अमाउंट में कमी लाना गवर्नमेंट का मेन मोटिव है। आइदर दे आर इम्प्लीमेंटिंग टैरिफ और नॉन बैरियर टैरिफ, बट द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इन दैट कंट्री। ओके राइट, सो द फर्स्ट वन इज वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। और क्या है तो ये एक तरह से एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट किसके किसके बीच है, एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपोर्टर ऑफ एक्सपोर्टर कंट्री, या फिर आप बोल सकते हो बिटवीन एक्सपोर्टर कंट्री डायरेक्ट। एक्सपोर्टर कंट्री बोलने का मतलब जो वहां से एक्सपोर्ट करेगा वही होगा। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपोर्टर ऑफ एक्सपोर्ट कंट्री एंड इम्पोर्टिंग कंट्री, जहां पे इम्पोर्ट किया जा रहा है उसके बीच एक एग्रीमेंट है एक टाइप का। तो उस इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव क्या है, मेन पर्पस क्या है, टू लिमिट एक्सपोर्ट। देखिए इसमें तीन बात बताया गया है। क्या क्या बताया गया है, दिस वन इज एन एग्रीमेंट, ये एक तरह का एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट होगा तो दो का होना जरूरी है, तो वो दो किसके किसके बीच एग्रीमेंट हुआ है, बिटवीन द एक्सपोर्टर ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड इम्पोर्टिंग कंट्री, जहाँ पे इम्पोर्ट किया जा रहा है या फिर जो दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस कंट्री में, उस दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव या मेन पर्पस क्या है, टू लिमिट एक्सपोर्ट। और एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नॉन टैरिफ और दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन। एक्चुअली द डिप्लोमेटिक रिलेशन इज नॉट गोइंग टू बी, वो खराब नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो यही मेन बेनिफिट आप बोल सकते हो। चलिए सेकंड देखिए, द लिमिट। अब ये जो लिमिट करेगा एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट बोलने का मतलब क्या, एक्सपोर्ट बोलने का मतलब उस सेंस में आप बोल सकते हो, एक्सपोर्टिंग कंट्री के टर्म्स में बोल सकते हो कि वो दूसरे कंट्री में जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो द लिमिट टू इम्पोर्ट, यहाँ पे इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ले सकते हो, बट सेंस आपको समझना होगा। अगर आप यहाँ पे इम्पोर्ट के टर्म में बता रहे हो तो इम्पोर्ट के टर्म में किस कंट्री में यूज़ होगा तो वो समझना होगा। तो जब ऑब्वियस सी बात है इम्पोर्ट यहाँ पे, तो एग्रीमेंट किसके बीच हो रहा है, दो ही तो है, आइदर द फर्स्ट वन इज द कंट्री हु इज एक्सपोर्टिंग गुड्स, तो अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री है या फॉरेन कंट्री है तो वो एक्सपोर्ट का यूज़ करेगा, अगर डोमेस्टिक कंट्री है तो वो इम्पोर्ट का यूज़ करेगा उसके कंट्री में, क्योंकि इम्पोर्ट हो रहा है। एग्रीमेंट तो इसी दोनों के बीच हो रहा है, तो अगर यहाँ पे लिमिट टू इम्पोर्ट यूज किया गया है तो आपको सेंस क्लियर होना चाहिए कि ये जो है ये रेफरेंस किसके रेफरेंस में है, ये रेफरेंस में है टू द लोकल गवर्नमेंट और टू द गवर्नमेंट वेर द डोमेस्टिक गुड इज एक्सपोर्टेड, सॉरी, वेर द गुड्स इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टर कंट्री, ठीक है। तो इम्पोर्ट मे बी सेट, अब ये जो लिमिट लगाया जा रहा है इम्पोर्टेड गुड्स इम्पोर्टिंग कंट्री के द्वारा अंडर द वॉलेंटियरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इन, अब वो लिमिट किस टर्म में लगाया जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और मार्केट्स है। बोलने का क्या मतलब, बोल देगा चलिए ठीक है एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच, अब बोलेगा आप 100 क्विंटल चावल मेरे यहाँ पे इम्पोर्ट करो, या फिर इसके अंदर अभी आप 100 क्विंटल का ही करो। फिर जब हम लोगों का मतलब होम इंडस्ट्रीज कवर अप कर लेगा अपना, और वो भी एक स्ट्रेंथ उसका कंडीशन बेटर होगा, तब आप ज़्यादा करना, तो बट अभी आप 100 क्विंटल का करो, या फिर तो क्वांटिटी के टर्म में हो गया। अगर वैल्यू के टर्म में, इतना वैल्यू का गुड्स आप मेरे कंट्री में इम्पोर्ट करो, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू के टर्म में भी लिमिटेशन लगाया जा सकता है कि इतना तक का ही वैल्यू, इतना तक का ही आप मेरे कंट्री में इम्पोर्ट करो, या फिर मार्केट शेयर, जितना मार्केट शेयर है उतना तक, इतना शेयर का, इतना शेयर आप मेरे कंट्री में इम्पोर्ट कर सकते हो। इतना शेयर, शेयर किसका होता है, इसका एक बहुत अलग फंडा है, आप समझे होगे तो मज़ा आएगा शेयर मार्केट को। तो एक टोटल कंपनी है उसका शेयर होता है अलग अलग, मीन्स शेयर मीन्स हिस्सेदार, तो उसका जितना हिस्सा है इतना हिस्सा का आप मेरे कंट्री में इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, इट इज एन टाइप ऑफ एग्रीमेंट। नाउ एग्रीमेंट बिटवीन हुम, एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपोर्टर ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इम्पोर्टर ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री, सॉरी इम्पोर्टिंग कंट्री। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वन, जो एग्रीमेंट है उसका मेन पर्पस क्या है, टू लिमिट एक्सपोर्ट। अब उसके बाद ये जो लिमिट लगाया जा सकता है वो लिमिट किस फॉर्म में लगाया जा सकता है, द लिमिट टू इम्पोर्ट मे बी सेट इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी वैल्यू और मार्केट्स है। सो दिस वन इज द बेसिक
आइडिया दैट वी हैव, जो हम लोग अभी समझ चुके हैं. ओके, सो अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद. तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इस पॉलिसी को ला के इम्पोर्ट को कम करता है. थोड़ा सा उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं, बिकॉज ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप इंट्रो दो. इंट्रो में क्या क्या बताना है, तो जो मैंने अभी बताया, उसके बाद आप क्या बताओगे, दीज आर सेल्डम टेम्प्रोरी, ये कभी कभी छोटे टाइम पीरियड के होता है. फिर उसको बताना कि क्यों ये एग्रीमेंट के तहत राजी हो जाता है, मीन्स एग्री कर जाता है सारा एक्सपोर्टर कि हाँ चलिए. एक्सपोर्टर इसलिए बेसिकली ये एग्री करता है बिकॉज दे आर नोइंग दैट गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास और भी पावर है. वो टैरिफ को भी इम्पोज कर सकता है, तो उससे बेटर है. वो कोई वहाँ पे टैक्स को इम्पोज नहीं कर रहा, बट एक तरह से म्यूचुअल यहाँ पे कॉन्सेंट है कि चलिए ठीक है, वी आर ऑल्सो एग्री विथ योर टर्म्स एंड कंडीशन दैट यू हैव पुट इट राइट नाउ. अभी आप जो दे रहे हैं कि थोड़े से टाइम पीरियड के कम करो, तो ठीक है हम लोग कर देंगे. तो यहाँ पे लोकल एक्सपोर्टर मीन्स एक्सपोर्टर भी एग्री कर जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा अभी टैरिफ पे नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे ये भी रहता है कि आप हाइयर प्राइस को भी चार्ज कर सकते हो. अगर कम पे कर रहे हो, अगर आपके मुनाफा में आपके प्रॉफिट में कमी आ रहा है, तो देन यू कैन चार्ज हाइयर प्राइसेस सो दैट योर आप जितना पहले रेवेन्यू मीन्स पहले जितना आपको प्रॉफिट हो रहा था, आपको उतना ही जनरेट हो. तो ये टर्म्स एंड कंडीशन देता है गवर्नमेंट टू द एक्सपोर्टर हु इज़ एक्सपोर्टिंग गुड्स कि आप ये सब कर सकते हो. तो इसलिए एक्सपोर्टर भी खुशी खुशी एग्री हो जाता है. तो चलिए अभी हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं. तो जैसे हम लोग टैरिफ में पढ़े थे, अगर आपको याद हो, तो ये डिमांड कर्व है. सपोज करते हैं कोई भी कंट्री, लेट सपोज द कंट्री अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल सिचुएशन इन इंडिया. सो दिस वन इज द डिमांड कर्व ऑफ इंडिया. नाउ इन दिस डिमांड कर्व, व्हाट डज दिस मीन, दैट डिमांड कितना हो रहा है, OQ3 डिमांड हो रहा है. अब OQ3 डिमांड हो रहा है, ये है सप्लाई कर्व ऑफ इंडिया. थोड़ा सा डायग्राम मेरा ठीक नहीं है, बट आप समझ जाओगे. तो ये क्या है, ये है सप्लाई कर्व ऑफ इंडिया. व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन दैट इफ द टोटल डिमांड ऑफ इंडिया फॉर एनी कमोडिटी इज OQ3, देन द टोटल सप्लाई ऑफ द कमोडिटी दैट इज सप्लाइड बाई द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ दैट कंट्री इज OQ. फिर से एक बार समझिए, OQ3 क्या है, टोटल डिमांड है इंडिया का. OQ क्या है, सप्लाई कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो सप्लाई कर्व क्या बता रहा है, सप्लाई कर्व बता रहा है ओ पी डब्ल्यू प्राइस पे. फिर से एक बार ध्यान से समझिए, सप्लाई कर्व बता रहा है कि ओ पी डब्ल्यू प्राइस पे इंडिया का प्रोड्यूसर OQ अमाउंट ऑफ गुड्स को वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है. बट टोटल डिमांड कितना है, टोटल डिमांड है OQ3. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर OQ इंडिया का प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, तो QQ3 अमाउंट जो है वो बाहर का प्रोड्यूसर, मतलब बोलने का क्या मतलब, जो एक्सपोर्टर है वो हम लोगों के कंट्री में इम्पोर्ट करेगा, हम लोग के सेंस में इम्पोर्ट करेगा, वो अपने सेंस में एक्सपोर्ट करेगा, और ये जो अमाउंट है वो फुलफिल होगा. लेकिन ये कब होगा, एट प्राइस OPW. ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग सिचुएशन देखें. OPW जब प्राइस है, तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय टोटल डिमांड OQ3 है. OQ इंडिया का जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कर रहा है, बाकी जो रेस्ट अमाउंट है QQ3 वो वर्ल्ड का सप्लायर हम लोगों के कंट्री में सप्लाई कर रहा है. अब देखिए अब क्या हुआ, अब एग्रीमेंट हो गया बिटवीन द एक्सपोर्टर ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड द इम्पोर्टिंग कंट्री. कि क्या हुआ कि बोला भाई साहब, मेरे एरिया में इंडस्ट्री का हालत बदतर हो रहा है मेरे कंट्री में आपके एक्सपोर्ट के कारण से, तो आप क्या करो, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए सिर्फ Q1 Q2 अमाउंट ऑफ, आपको टैरिफ में अगर याद हो तो Q1 Q2 अमाउंट को तो टैरिफ जब इम्पोज करता था तो ये अमाउंट से घट जाता था. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि आप Q1 Q2 अमाउंट ही मेरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, क्या बोला गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोला, शर्त रख दिया एक्सपोर्टर कंट्री को, या जो एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्टर ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, कि अब आप Q1 Q2 अमाउंट ही मेरे कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे. तो अब क्या हुआ, अब प्राइस बढ़ाएगा
जो फॉरेन कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो प्राइस बढ़ाएगा, पहले अगर ओपीडब्ल्यू था ओपीबी कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि गवर्नमेंट उसको छूट दे चुका है कि आपको प्रॉफिट में कमी आएगा, ठीक है, तो आपको हम एक बेनिफिट दे रहे हैं कि आप क्या है प्राइस बढ़ा लो, अगर कम प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपका कमोडिटी का डिमांड होगा उतना ही, तो आदमी ज़्यादा पे करके भी आपका खरीदेगा, एज एन रिजल्ट आपको कम में ज़्यादा मिलेगा और आपको प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। तो गवर्नमेंट उसको ये भी छूट दिया है, तो अब क्या करेगा, इसको तो इतना ही बोला गया कि आप इतना ही एक्सपोर्ट करो, तो अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ा दिया, जो बाहर के एक्सपोर्टर है वो प्राइस बढ़ा दिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपीबी प्राइस में अब सप्लाई घट गया, अगर पहले सप्लाई इतना किया जा रहा था क्यू क्यू थ्री, तो अभी सप्लाई तो Q1 Q2 है, मतलब SB, बोलने का मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन कंट्रीज एट प्राइस ओपीबी, SB मतलब प्राइस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन कंट्री, या फिर जो एक्सपोर्टर है वो सप्लाई कर रहा है एट ओपीबी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक का तो बढ़ गया OQ से OQ1 हो गया, बट फॉरेन कंट्रीज के लिए Q1 Q2 ही है, ठीक है। तो ये क्या है, उस एग्रीमेंट के अंदर हुआ कि आप इतना करोगे। और यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली मोटिव जो गवर्नमेंट का वो भी पूरा हो गया, गवर्नमेंट का मोटिव था लोकल इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा फैलाया जाए, उसका गुड्स को प्रमोट किया जाए अपने कंट्री में। तो पहले अगर OQ का वहाँ पे हो रहा था प्रोडक्शन, तो अब उस इंडस्ट्री में जो है सप्लाई कितना किया जा रहा है होम इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो OQ1, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का मोटिव पूरा हो जाता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना है, यहाँ पे दो पॉइंट, मतलब एक सॉरी दो पॉइंट याद रखिए, बेसिकली क्या क्या याद रखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BER एंड द टैरिफ दैट वाज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपको याद हो जब टैरिफ गवर्नमेंट इम्पोज करता था, तो ये जो रेवेन्यू वाला पोर्शन था वो गवर्नमेंट को जाता था, और AB को बोला जाता था डेडवेट लॉस एंड गेन, जो किसी को नहीं जाता था, ठीक है। तो टैरिफ में ये जो पोर्शन गवर्नमेंट को जाता था, बट इसमें क्या होता है, इसमें रेवेन्यू का भी पोर्शन, ए वाला भी पोर्शन और बी वाला भी पोर्शन किसको जाता है, तो ये बाहर वाले कंट्री को जाता है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपोर्टर ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसको बोला जाता है नेट लॉस इन रेवेन्यू, या फिर रेवेन्यू बोलने का मतलब क्या, कंज्यूमर का वेलफेयर होता है, तो नेट लॉस इन वेलफेयर। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, और एंड सेकेंड पॉइंट इज दूसरा है नेट लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, जो क्या होगा वो होगा Z+A+R+B। तो दो बातें हम लोगों ने सीखा, यहाँ पे जो रेवेन्यू पहले गवर्नमेंट को मिलेगा वो BER के अंदर क्या होगा, वो नहीं मिलेगा, वो फॉरेन को मिलेगा, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट कवर अप करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट लॉस इन वेलफेयर, एंड दिस वन इज नेट लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, जो कंज्यूमर को फायदा होना था उसमें इतना लॉस आया है। सो दिस वॉज द ओवरऑल स्टोरी ऑफ VER, दैट हाउ द थिंग्स चेंज वेन VER इज इम्प्लीमेंटेड बाय एनी कंट्री और एनी इम्पोर्टिंग कंट्री। तो कैसे कंडीशन चेंज होता है, हम लोगों ने उसको देखा प्रैक्टिकली ग्राफ के थ्रू, एंड आई होप यू गाइज गॉट इट कि पहले कितना हो रहा था, अब क्या हुआ, वो लिमिटेशन सेट कर दिया कि Q1 Q2 का ही आप मेरे कंट्री में ये करो, एक्सपोर्ट करो। उसके बाद जब ये एक्सपोर्ट कर रहा है Q1 Q2, तो कैसे लोकल इंडस्ट्रीज का OQ से OQ1 हो गया, अब ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर पा रहा है और सप्लाई कर पा रहा है, कैसे फिर प्राइस में क्या चेंज आया है, उसके कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम लोगों ने उसको अभी बेसिकली देखा। एंड आई होप जितना समझाए हो वो आपको समझ में आ गया हो, थोड़ा सा अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो आप। सो आई होप यू गाइस गॉट इट, अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर आप लाइक करें इस चैनल को, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, और कमेंट करें कि आपको समझ में आया, कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं, और इसके अंदर जो नेक्स्ट पोर्शन होगा हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। फॉलो वर्ड अच्छा नहीं रखता मैं, बार बार बोलता हूँ, बट इंस्टाग्राम का पॉलिसी है, वहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो, तो जो वर्ड है वही बोलना पड़ता है। ठीक
मेरा अकाउंट है गौतम देव 4057, सो दिस वन इज, यू कैन सेंड मी मैसेज देयर, आपका जो व्यू है वहाँ पे भी भेज सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स.